आज सुबह हमने सबसे पहले अपने आप को जाना कि मैं कौन, प्योर डिवाइन आत्मा। फिर उसके बाद हमने उसको जाना कि वो कौन, जैसे मैं एक प्योर आत्मा तो वो प्योरिटी का सागर है। तीसरा है इन दो एनर्जीज़ का आपस में कनेक्शन। क्या हम में से कभी किसी ने टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया है? यस, कि हमने किसी को याद किया और उसी क्षण उन्होंने भी हमें याद किया। हमने फ़ोन उठाया उन्हें करने के लिए और उतनी देर में वहाँ से ही फ़ोन आ गया। तो कई बार इतना इकट्ठे होता है कि ये भी नहीं पता चलता कि उन्होंने किया या हमने किया। कभी हमारे मन में कोई क्वेश्चन होता है, हम किसी के सामने जाते हैं, पूछने से पहले ही वो आंसर कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन उनको कैसे पता चला? तो दिस इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन द माइंड एंड अनदर माइंड। तो पिछले साल हार्वर्ड के प्रोफेसर्स ने इसको साइंटिफिकली प्रूव किया, एक एक्सपेरिमेंट किया सितंबर 2014 में, जिसमें मुंबई में एक व्यक्ति को बिठाया और उसके ब्रेन के साथ इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया। पेरिस में 4000 माइल्स अवे एक और भाई बैठा, उसके भी ब्रेन के साथ ब्रेन पैटर्न को चेक करने के लिए मशीन कनेक्ट की। जिसको मुंबई में बिठाया उसको पेरिस के व्यक्ति के लिए एक थॉट क्रिएट करनी थी, सिर्फ बोलना नहीं था, लिखना नहीं था, सिर्फ एक थॉट क्रिएट करनी थी। उसकी थॉट ने एक ईजी पैटर्न क्रिएट कर दिया उसकी मशीन पर और कुछ क्षणों के अंदर ही जो पेरिस में व्यक्ति बैठा था उसकी मशीन ने वही ब्रेन पैटर्न दिखाना शुरू कर दिया। और फिर उन साइंटिस्ट ने कहा ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन टेलीपैथी इज साइंटिफिकली प्रूव्ड एंड दे सेड इन द कमिंग टाइम we might not need to use email and internet, we will only be able to communicate by just sending one message from here. The only difference is that they called it a brain to brain communication, but we understand from experience that it's not a brain to brain communication, it is a mind to mind communication, or we call it a soul to soul communication. Jo scientifically bhale abhi proof kiya ho, lekin anubhav to hum kab se karte hain। ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है हम जिसको याद करेंगे और हम जो उनके बारे में सोचेंगे वो थॉट उन तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि लोगों के बारे में ध्यान से सोचना है, क्योंकि जो हम उनके बारे में सोचेंगे वो सारा कुछ उनको पहुंच जाता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं सोच कर सोचो, है ना, हमें बचपन में सिखाते थे सोच कर बोलो, लेकिन बोलने से भी पहले जो सोच लिया वो सामने वाले तक पहुंच जाएगा। हम जिसको याद करेंगे, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हम जिसको याद करेंगे हमारी मन की फ्रीक्वेंसी उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी और उनकी जो मन की स्थिति होगी उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। अब कलयुग है तो मेजॉरिटी आत्माओं की मन की स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे है, कोई उदास है, कोई परेशान है, कोई डिप्रेशन में है, कोई रो रहा है, कोई नाराज़ है, कोई अपनी ही उलझन में है। अब ऐसे में अगर हम किसी भी आत्मा को याद करेंगे तो हमारे को वाइब्रेशंस कौन सी मिलने वाली है, वाइब्रेशन कौन सी मिलने वाली है? सबके मन की फ्रीक्वेंसी इस वायुमंडल में है। मैं जिसको याद करूंगी मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाएगी। जैसे टेलीविज़न पर इतने चैनल्स हैं, रेडियो पर इतने चैनल्स हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी है ना वातावरण में। हम जौन सा चैनल नंबर प्रेस करेंगे हमारे टीवी पर तो वही वाला दिखाई देगा। सिमिलरली सब आत्माओं की फ्रीक्वेंसी है, हम जिसको याद करेंगे हमारे को वो वाला चैनल यहाँ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कितनी बार हमने सुना किसी बच्चे के साथ कहीं कुछ हुआ
और माँ ने कहा मुझे पहले ही पता चल गया कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ है, होता है नहीं होता ऐसा, इसका मतलब उस क्षण वो माँ अपने बच्चे को याद कर रही थी दूसरे शहर में या दूसरे स्थान पर, और वहाँ उस बच्चे को दर्द हुआ और माँ क्योंकि उसको याद कर रही थी तो वो दर्द की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, उधर पहुँच गई, और माँ ने कहा मुझे पता है मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। ये कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। कब होगा? जब माँ उस क्षण उस बच्चे को याद कर रहे हो। अगर बच्चे को यहाँ चोट लगी लेकिन माँ उस क्षण पति को याद कर रही है तो उसको यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी नहीं मिलने वाली है। तो हम जिसको याद करेंगे उसकी मन की स्थिति का प्रभाव हमारे अंदर पड़ेगा। अगर आत्मा के प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है तो क्या परमात्मा का प्रभाव आत्मा पर पड़ेगा? पड़ेगा, यस। इसीलिए बचपन से हमें सिखाया गया और हर धर्म ने हमें सिखाया, एक उसको याद करो, रिमेंबर ओनली हिम। क्यों रिमेंबर ओनली हिम? क्यों हम सिर्फ उसको याद करें? अब क्यों याद करें सिर्फ उसको? सबको क्यों ना याद करें, क्यों सिर्फ उसको याद करें? यहाँ से फ्रीक्वेंसी किसी की थोड़ी नेगेटिव है, किसी की ज़्यादा नेगेटिव है, किसी की अच्छी है, किसी की प्यारी है, वहाँ से तो पावरफुल है। तो जिसको याद करेंगे वो डेटा सब डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। उसको अगर याद करेंगे तो यहाँ क्या डाउनलोड हो जाएगा? क्या डाउनलोड हो जाएगा? इसीलिए कहा जाता है जिसको याद करेंगे वैसा बनते जाएंगे, क्योंकि जिसको याद करेंगे उनकी मन की स्थिति का असर हमारे मन पर पड़ जाएगा। अब कलयुग में मनुष्य आत्माओं को याद करना थोड़ा सा रिस्की हो गया है, क्योंकि कलयुग में आज सुबह हमने देखा ना मेजॉरिटी बैटरीज क्या है, थोड़ा सा डिप्लीटेड है। अब आप अपनी बैटरी को अगर किसी डिप्लीटेड बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? थोड़ी बहुत जो है वो भी डिप्लीट हो जाएगी। अब अगर इस बैटरी को उस सागर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे चार्ज हो जाएगी। अगर आत्मा और आत्मा के बीच टेलीपैथी हो सकती है तो क्या आत्मा और परमात्मा के बीच टेलीपैथी हो सकती है? हो सकती है। क्या ये हो सकता है कि हम जो सोचेंगे वो उस तक पहुँचेगा और वो जो सोचेगा वो हम तक पहुंचेगा? क्या ये हो सकता है? हमने किया नहीं है कभी, लेकिन लेट्स लुक एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी। इज इट पॉसिबल कि वट एवर वी थिंक विल रीच हिम एंड वट ही थिंक्स फॉर अस विल रीच अस, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन हो और वो हमें आंसर दे? पॉसिबल? हाँ जी, if anything is possible once, बैठ के बोलो। हाँ वो ठीक है, लेकिन हो सकता है अगर मैं इनको याद करूँ और ये मुझे सेम टाइम पे फोन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ थॉट जा सकती है, बॉम्बे से पेरिस जा सकती है, तो यहाँ से परम धाम जा सकती है? Who's the receptor? We are. But if we tune in there, will we be able to catch the frequency? अगर मैं आपको याद करूँ और आप मुझे याद करें तो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है, तो अगर मैं उसको याद करूँ तो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होगी क्या? हाँ, मतलब याद करना है तो होगी, होगी। तो जो हम थॉट क्रिएट करेंगे वहाँ तक पहुँचेगा, और अगर उसे हमें कुछ कहना है तो वो यहाँ पहुँचेगा। अगर हमें जीवन में कोई क्वेश्चन है, कोई उलझन है और हम उसको कहेंगे, आंसर मिलेगा। यही राजयोग है। दिस इज राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन मीन्स अ डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन, अ टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ हम भी यहाँ से याद करेंगे वो भी करेगा
और ट्यूनिंग हो जाएगी। अब जब आत्मा और आत्मा का कनेक्शन होना होता है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मैं इनको याद करूं, लेकिन ये कोई और टेंशन में है तो इनको मेरी वाली थॉट उस टाइम कैच नहीं होगी। अब उसके साथ सेफ्टी ये है कि एक साइड से तो सिग्नल हमेशा क्लियर है, वहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो वहाँ का फ़ोन हमेशा अवेलेबल है। अब सिर्फ डिपेंडेंट किस पर हो गया, हमारी लाइन इंगेज नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी लाइन बिजी होगी तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर हमने भी माइंड को उसके साथ ही कनेक्ट किया, उसको मन से याद किया, मुख से नहीं, हाथों से नहीं, किताबों से नहीं, मन से, थॉट से उससे हम कनेक्ट हुए, तो वहाँ की पावर यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे ही वहाँ की पावर यहाँ डाउनलोड होगी, आत्मा क्या होने लगेगी, चार्ज होने लगेगी। जैसे ये होगा, आप सोचो जीवन कैसी हो जाएगी। अब जैसे हमने सुबह देखा कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, पहले हम सबके पास जाते हैं, फिर लास्ट में किसके पास आते हैं, उसके पास आते हैं। अब अगर ऐसा रिश्ता बन जाए तो सबसे पहले किसको पूछेंगे, सबसे पहले किसको पूछेंगे, उसको बता देंगे। और एक बार उसको बता दिया तो किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से आंसर मिलेगा। जब हम औरों को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं, किसी और को याद करना हो तो कैसे याद करते हैं, फ़ोन करते हैं। अब फ़ोन तो नहीं कर सकते ऊपर, है ना। अब किससे याद करना है, ये वाली जो कम्युनिकेशन है, देखो कम्युनिकेशन किस लेवल पर होती है, एक होती है थॉट एंड थॉट कम्युनिकेशन, एक होती है वर्ड एंड वर्ड कम्युनिकेशन, एक होती है मैं आपको लिखकर कुछ भेजूं, आप मुझे लिखकर भेजें, तो एक्शन एंड एक्शन कम्युनिकेशन। अब परमात्मा के साथ कौन सा कम्युनिकेशन, थॉट एंड थॉट कम्युनिकेशन। सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन कौन सा होगा तीनों में से, थॉट एंड थॉट कम्युनिकेशन। अब मुझे उसको थॉट एंड थॉट से कम्युनिकेट करना है, जब मैं औरों के साथ करती हूँ तो हम क्या करते हैं, किसी को याद करने के लिए क्या करते हैं, किसी को आपने याद करना, आप यहाँ बैठो अपने बच्चे को याद करो, तो कैसे याद करेंगे उसको, उसके बारे में सोचते हैं। इसका मतलब मन हर जगह से हटकर, है ना, हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हम यहाँ का भी नहीं सुन रहे, कुछ और भी नहीं कर रहे, हमारा मन किससे कनेक्ट हो गया, उधर कनेक्ट हो गया। इज़ इट पॉसिबल कि हम यहाँ बैठे अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं, पॉसिबल। तो याद करने के लिए ना कोई जगह चाहिए, ना कोई फोटो चाहिए, ना कोई स्थान चाहिए, चलते फिरते काम करते मन से हम जिसको याद करेंगे उसके साथ हमारी एनर्जी जुड़ जाएगी। क्या हम चलते फिरते काम करते हुए, घर में सबके बीच रहते हुए परमात्मा को याद कर सकते हैं? अब सोचो हर कर्म शुरू करने से पहले, हर कर्म करने के दौरान कोई बात आई तो, हर कर्म करने के बाद, कहीं जाने से पहले, कहीं के आने के बाद, अगर हम हर बार दो मिनट उससे जुड़ जाएं, तो मन की स्थिति कैसी हो जाएगी, मन की स्थिति इमेजिन करना है। अभी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, हमें सिर्फ इमेजिन करना है कि अगर हम ये करने लग जाएं, जैसे आजकल फ़ोन चार्जर हर जगह लगे हुए हैं और एक संस्कार बन गया है, पाँच मिनट भी कहीं रुकते हैं तो चार्जर के साथ फ़ोन लगा देते हैं, सामने वाला कहेगा पाँच मिनट में जाना है ना, अभी कहेंगे तो पाँच मिनट में तो चार्ज होने दो ना उतना, तो सारा दिन में पाँच पाँच मिनट चार्ज करते करते क्या हो जाता है, फ़ोन शाम तक भी फुल्ली चार्ज रहता है। सेम यहाँ करना है, सारा दिन में अगर दो दो मिनट भी चार्ज कर लिया और सुबह तो अच्छी तरह से चार्ज किया और बीच में दो मिनट, फिर दो मिनट, फिर दो मिनट, तो शाम तक बैटरी कैसी होगी, फुली चार्ज। ये राजयोग है। इस तरह आपने देखा होगा कैंपस में हर एक घंटे के बाद एक गीत बजता है एक मिनट का, अभी नोटिस करना, उस गीत का नाम है शांति की शक्ति, हर एक घंटे के बाद बजता है। तो सब लोग क्या करते हैं, जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, एक मिनट के लिए रुक जाते हैं,
बोल रहे हैं तो बोलना बंद कर देते हैं, काम कर रहे हैं तो बंद कर देते हैं, उस एक मिनट में क्या करते हैं, तो एक मिनट में चार्ज हो गया। अब जैसे ही एक मिनट उधर कनेक्ट किया तो स्थिति क्या हो जाएगी, अब कर्म में आएंगे तो ऑटोमेटिकली कर्म कैसा हो जाएगा। तो इस एक मिनट को हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स। हर एक घंटे के बाद रेड सिग्नल, पहले चेक यहाँ क्या चल रहा था, कुछ गलत चल रहा था तो उसको क्लीन, फिर एक प्योर थॉट, आई एम अ प्योर सोल, आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ प्योरिटी, उसकी प्योरिटी की वाइब्रेशन मुझ आत्मा पर पड़ रही है, मैं आत्मा उस पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। एक मिनट के लिए मैंने कलयुग से अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया और किसके साथ, सिर्फ 60 सेकेंड्स मैंने उसके साथ जोड़ा, बैटरी भर जाती है। अब पूरे दिन में हर 59 मिनट्स के बाद सिर्फ एक मिनट भी अगर ये करते हैं ना, तो पूरा दिन मन एकदम ऐसे रहता है, एकदम चार्ज्ड ऐसा। इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है। अब परमात्मा की शक्ति को लेकर हम अपने जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, क्या लगता है? सपोज इमेजिन यू हैव अ पावर बैंक हियर, गॉड्स पावर, उसको किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या करेंगे? सपोज आपके पास भगवान की शक्ति है, सारा दिन क्या क्या यूज़ करेंगे उसको, क्या क्या कर सकते हैं भगवान की शक्ति के साथ? हाँ, तो सबसे पहले हम भगवान की शक्ति से किसको ठीक करेंगे, आत्मा की स्थिति को ठीक करेंगे। फर्स्ट इन्फ्लुएंस गॉड्स पावर, फर्स्ट थिंग विल इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ जैसे ही परमात्मा की शक्ति के साथ यहाँ पर प्रभाव पड़ा, सेकंड प्रभाव किस पर पड़ेगा? पहले यहाँ पड़ा, सेकंड प्रभाव कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ा, उसका सेकंड प्रभाव यहाँ पड़ेगा। तो हम परमात्मा की शक्ति को लेकर यहाँ डाल के यहाँ से उसको अपने पूरे शरीर में भेज सकते हैं। अगर शरीर में कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई अंग में कुछ प्रॉब्लम है, रोज़ उसकी पावर को लें, उधर दें, वो चीज़ ठीक होने लगेगी। क्योंकि बीमारी क्रिएट कैसे होती है, बीमारी क्रिएट कैसे होती है, कोई ब्लॉकेज यहाँ होता है, उसका फिर ब्लॉकेज यहाँ क्रिएट होता है। अब हमें उस ब्लॉकेज को डिसॉल्व करना है, सिर्फ दवाई खा के दबाना नहीं है। आज हम क्या करते हैं, कोई भी बीमारी आती है, दवाई खाते हैं, ठीक कर देते हैं, थोड़े साल बाद वो बीमारी वो फिर आ जाती है, क्योंकि ब्लॉकेज को यहाँ से क्लियर नहीं किया। तो परमात्मा की शक्ति से फर्स्ट आत्मा की स्थिति, सेकेंड शरीर, थर्ड किस पर असर पड़ेगा? हमारे आसपास जितनी आत्माएं हैं उनके प्रति हम कैसी वाइब्रेशन भेजेंगे, रिश्ते क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। फोर्थ, हमारे आसपास जो प्रकृति है, जो प्रकृति है वो प्रकृति पर भी वाइब्रेशन का असर पड़ता है। तो हम परमात्मा की वाइब्रेशन को लेकर प्रकृति को भी देंगे। आज सुबह दादी ने एक बहुत प्यारी बात कही, कहते पानी का ग्लास ऐसे ही नहीं पी लेना। सुना आपने, बहुत बड़ी बात है वो, पानी का ग्लास ऐसे ही उठा के नहीं पी लेना। क्योंकि सारा दिन में जो हम पानी पी रहे हैं, जो भोजन हम खा रहे हैं, वो हमारे अंदर जाके हमारी मन की स्थिति और हमारे शरीर पे असर कर रहा है। ये ग्लास सामने आया, इस ग्लास के ऊपर अगर हम एक एनर्जी मशीन ले, इसकी एनर्जी फील्ड हमें पता चल जाएगी। आप कभी भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, पानी पीने से पहले 30 सेकेंड्स पॉज करें, उस पानी को देखें और थॉट क्रिएट करें कि परमात्मा की पवित्रता की शक्ति इस पानी में भर रही है, ये पानी की सारी इम्प्योरिटी, सारी नेगेटिविटी फिनिश, ये पानी अब पानी नहीं, ये अब अमृत है। जाते हैं ना मंदिर में अमृत लेने के लिए, कितना प्यार से लेते हैं उस अमृत को ऐसा, तो वो अमृत में और पानी में क्या फ़र्क होता है, घर के है तो वो भी पानी, लेकिन उस पानी को किसी ने परमात्मा की याद से क्या बना दिया, अमृत बना दिया। तो इतना अमृत क्यों, पूरा ग्लास अमृत क्यों नहीं,
पूरा ग्लास अमृत क्यों नहीं और सारा दिन अमृत क्यों नहीं? क्योंकि अमृत मतलब जिस पानी में परमात्मा की याद है। कोई भी करके देखे, इसके वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। सुबह सुबह अपनी फैमिली के लिए एक बड़े बर्तन में पानी भर दें पूरे दिन के लिए, और उसके ऊपर एक मिनट पहले मेडिटेशन करें कि परमात्मा की पावर इस पानी में है, ये पानी प्योरीफाई हो चुका है, ये पानी हीलिंग वाटर है, ये पानी अब सारा दिन मेरे घर में जो पिएगा ये उसके मन को और शरीर को प्योरीफाई करेगा, अब पूरा दिन सबको पीने दो। फिर भोजन की प्लेट आए सामने, आज सब लोग कहते हैं पेस्टिसाइड बहुत है, ये बहुत है, ये बहुत है, अन्न का मन पर असर पड़ता है। किसी ने किस मन की स्थिति में भोजन बनाया है उसका हमारे ऊपर असर पड़ जाएगा। यहाँ पर आप सब भोजन खा रहे हैं, कैसा लग रहा है तो सिंपल भोजन, हाँ सर, हमेशा होटल में तो बड़े बड़े तरह का भोजन खाते हैं, यहाँ तो सिंपल भोजन है, लेकिन सबको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो किसी ने बहुत शांत मन से और परमात्मा की याद में बनाया होता है। तो ऐसे ही घर पे हम जो भोजन खाएं, सीधा ऐसे ही नहीं खाते हैं, प्लेट सामने आए एक मिनट रुकना है, उस भोजन में परमात्मा की याद कि भगवान की सुख की शक्ति इसके अंदर पड़ रही है। इस भोजन बनाते समय अगर किसी ने भी कोई गलत थॉट क्रिएट की थी वो क्या हो जाएगी? नलिफाई, इट्स डिलीटेड। ये भोजन अब भोजन नहीं, प्रसाद है। इतना थॉट्स देकर फिर उस खाने को खाएं तो हमने भगवान की शक्ति यूज़ करके उस भोजन को क्या कर दिया? प्योरीफाई करके चार्ज कर दिया। प्रकृति के ऊपर सारा दिन हम परमात्मा की शक्ति को यूज़ करें तो हम कलयुग में रहते रहते सत्युग का एक्सपीरियंस करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं हूँ, मैं आया हूँ, मुझे यूज़ करो, मुझे यूज़ करो। इट्स लाइक द सन, वो सूर्य है, उसकी शक्ति है, हम ही खिड़की बंद करके ट्यूबलाइट ऑन कर लेते हैं, तो हमने उस शक्ति को क्या किया? यूज़ ही नहीं किया। परमात्मा के साथ सारा दिन कैसी बातें कर सकते हैं हम? कौन सी बातें कर सकते हैं परमात्मा के साथ सारा दिन? कौन सी बातें कर सकते हैं? कौन सी बातें कर सकते हैं भगवान के साथ? अच्छा, सपोज़ अभी भगवान आए यहाँ पर है और आपको कोई एक बात करनी हो तो आप क्या कहेंगे? एनीबडी सिस्टर, व्हाट विल यू से इफ गॉड कम्स हियर? Don't close your eyes. He's standing here. You'll close your eyes. What will you say? Don't think of all the purana tarika. Just imagine wo yahan kar abhi khada ho jaye. What will we feel like saying? Thank God for coming. Achha, thank you God for coming. Thank God for coming. Nahin, thank you God for coming. Haan, aur batao. Aur kya kahenge? Anybody? Hame shanti dijiye. Aur? Apne jaisa hame bana dijiye. Aur? हमें सद्बुद्धि दीजिए। एनीबडी एल्स? और क्या कहेंगे? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? वेरी गुड। हाँ, और क्या कहेंगे? टॉक अबाउट आवर डिफिकल्टीज। अब आप देखो वो आएगा, हम सब अलग अलग बात कहेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी आपने जो कहा वो नहीं कहेंगे इफ़ इट इज़ पर्सनल बिटवीन हिम एंड यू। फिर तो हम पर्सनल बात कहेंगे ना, जो सबके सामने थोड़ी कहने वाले हैं इतने बड़े हॉल में। तो परमात्मा से जब हमारा रिलेशनशिप डेवलप हो हम अपनी बात कहेंगे उससे, लेकिन आज तक हमने अपनी बात नहीं कही है उससे, किसी और ने जो बहुत शक्तिशाली प्यारी प्यारी बातें लिखी थी, जो हमें बचपन में रटा दी गई थी, और हम रोज़ उन्हीं बातों को रिपीट करते हैं। एक होता है रटी हुई बात बोलना और एक होता है अपने मन की बात बोलना, दोनों में फ़र्क होगा। अब क्योंकि हम किसी और की लिखी हुई भावनाएं, वेरी पावरफुल वर्ड्स, बस किसी और के वर्ड्स, वो उनकी भावनाएं हम रोज़ सिर्फ रिपीट कर रहे थे, तो रिजल्ट क्या हुआ? मुख रिपीट कर रहा था और मन क्या करने लगा? मन क्या करने लगा? इधर उधर जाने लगा, क्योंकि कई बार तो हम ऐसी बातें बोल रहे थे, उच्चारण कर रहे थे, जिसका मीनिंग हमें भी नहीं पता था। होता है ऐसा या नहीं होता? तो वो पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बना। और फिर हमने अगर
उच्चारण भी किया तो हमने 10 मिनट्स में उच्चारण किया, फटाफट फटाफट जितना टाइम था उतनी स्पीड पे किया, और फिर उसने वहाँ से क्या कहा वो तो हमने सुना ही नहीं, हमने कहा टाइम हो गया चलो। तो कम्युनिकेशन कैसा होगा, रिश्ता कैसे बनेगा? रिश्ता मतलब हम अपनी बात कहेंगे, वो वहाँ से हमसे बात करेगा, और हम दोनों का आपस में क्या बन जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगा। आज क्या हुआ, हम विधि पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक बहन ने मुझे कहा मुझे मंत्र जाप बहुत अच्छा लगता है। आई सेड गुड, उसका मीनिंग समझ के अच्छे से करना। कहती नहीं मैं सीडी चलाती हूँ। मैं बोला सीडी क्यों चलाते हैं, खुद क्यों नहीं करते? कहती गलती हो गई बोलते समय, तो इससे अच्छा है सीडी चलाओ। तो हम डरते हैं। अगर बच्चा पेरेंट के लिए कुछ करता है तो पेरेंट ये नहीं देखता कि वो कितना एक्यूरेट है। पेरेंट क्या देखता है कि उसके पीछे बच्चे की क्या भावना है, क्या फीलिंग है। हम विधि की एक्यूरेसी में इतने अटक गए कि भावना क्या हो गई, ये एक्यूरेट होना चाहिए सब कुछ। ये एक्यूरेट नहीं, ये लवफुल होना चाहिए सब कुछ। तो वो करते करते क्या हुआ, हम गॉड लविंग बनने की बजाय गॉड फियरिंग हो गए। एक दूसरे से कहते हैं एम अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन। शुड वी फियर गॉड? शुड वी फियर गॉड? Should we fear God? If there's one whom we should not fear, it's him, because he never gets angry. बाकी तो सब लोग गुस्सा हो सकते हैं, वो कभी भी गुस्सा नहीं होगा। उससे डरना क्यों? क्योंकि जहाँ डर आएगा वहाँ प्यार नहीं आएगा, जहाँ डर आएगा वहाँ प्यार नहीं आएगा। तो परमात्मा के साथ आज से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक पर्सनल रिश्ता बनाना शुरू करते हैं। सुबह उठे सबसे पहली थॉट क्या हो सकती है, फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग क्या हो सकती है, फर्स्ट थॉट? हाँ, फर्स्ट थॉट उससे कनेक्ट हो जाओ। तो फर्स्ट थॉट क्या हो सकती है, किसी के साथ आपका अगर रिश्ता है, ठीक है, अब इसको रिश्ता बनाना है, ऑफिशियल नहीं देखना भगवान को, एक पेरेंट चाइल्ड, एक दोस्त और दोस्त, फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं सुबह तो फर्स्ट चीज़ क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग उसको भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले क्या कर सकते हैं, आज तक हमने कभी परमात्मा को गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं किया था, नहीं किया था ना। घर में पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो सुबह सुबह उनसे आशीर्वाद लेते हैं ना, नमस्ते करते हैं ना, गुड मॉर्निंग करते हैं, उसके साथ कभी नहीं किए। उसका तो जब पूजा का टाइम आया तब याद किया उसको, फर्स्ट मॉर्निंग थॉट उसके साथ कनेक्टेड नहीं थी। जैसे हमने उसको गुड मॉर्निंग किया, सबसे पहले मन किसके साथ कनेक्ट हो गया, फर्स्ट थॉट उसके साथ कनेक्ट हो गया। द डे बिगिन्स ऑन अ ब्यूटिफुल नोट, इसलिए कहते हैं आज सुबह सुबह किसका चेहरा देखा पहले तो दिन कैसा बीतेगा। मतलब सुबह सुबह किसको याद किया सबसे पहले। तो जब हम नए नए आते हैं यहाँ पर तो दादी हमें कहती थी, नहीं आता ना मेडिटेशन कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते ना कोई बात नहीं, सिर्फ एक काम करना शुरू करो, रोज़ सुबह उठ के फर्स्ट थॉट बोलो गुड मॉर्निंग बाबा। छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं बातें करना, ऐसे ही सिखाते हैं ना। ऐसे ही जब हम यहाँ पे आते हैं हमें छोटे बच्चे की तरह सिखाया जाता है परमात्मा को कैसे याद करना है। तो कहा सबसे पहली चीज़ सुबह सिर्फ एक चीज़ करो, गुड मॉर्निंग बाबा। वो गुड मॉर्निंग करते करते ही रिश्ता बन गया कि रोज़ उसको जो गुड मॉर्निंग करेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक रिश्ता तो बनना शुरू होगा। फिर कहा मन में कोई भी कभी भी बात आए ना, रुक के औरों से नहीं करो, पहले उसको बताओ। क्वेश्चन है माइंड में उसको बताओ, आंसर मिलेगा, ये 100% है, ये 100% है कि हमने उसको याद किया, उसको बताया। उसके बाद अपने माइंड को क्या कर दो, साइलेंट। आंसर किस फॉर्म में आ सकता है, आंसर किस फॉर्म में आ सकता है? परमात्मा को हमने अपनी बात कही, अब उसका आंसर आना है तो किस फॉर्म में आ सकता है? आंसर आना है, काम नहीं होना है। आज तक हमने परमात्मा के साथ रिश्ता कैसे किया, हमने अपनी प्रॉब्लम बताई और चेक किया कि प्रॉब्लम ठीक होती है कि नहीं। अब नहीं,
अब प्रॉब्लम बताओ और आंसर पूछो और फिर चेक करो कि आंसर मिलता है कि नहीं। इससे क्या होगा, क्या बनना शुरू हो गया, रिलेशनशिप। वन इज यू गो एंड टेल योर फ्रेंड के डू दिस फॉर मी एंड द फ्रेंड डज इट फॉर यू, बट वन इज यू कॉल योर फ्रेंड, टॉक टू हिम, टेक हिज एडवाइस एंड ही गिव्स यू द एडवाइस एंड देन यू गो एंड इम्प्लीमेंट इट। तो हमारा कनेक्शन किससे जुड़ा, तो हर बात उससे कर। इतनी छोटी छोटी बातें करें। हम अभी यहाँ जा रहे हैं, हम अभी यहाँ से आ रहे हैं, आज हमारी ये मीटिंग है, आज हमने ये करना है, आज हमने वो करना है। जब हम परमात्मा के साथ दिन की छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देते हैं तो रिश्ता किसके साथ बनना कैसा शुरू हो जाएगा। सारा दिन में चेक करो, कुछ लोग होते हैं जो हमें कभी कभी मिलते हैं, होते हैं ना, कुछ लोग पार्टीज और फंक्शंस पे मिलते हैं, उनके साथ हम कितनी बात करते हैं जब वो हमें फंक्शन पे मिलते हैं, फॉर्मल बात करते हैं ना, वो मिले तो हम उनको पूछते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, एवरीथिंग फाइन, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता क्या बात करनी है। कुछ लोग होते हैं जो हमें दिन में एक बार मिलते हैं, उनसे हम कितनी बात करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनसे हम अपनी हर बात करते रहते हैं। देखो, बेटी की शादी होती है, माँ को फ़ोन करती है, सुबह भी करती है, आधा घंटा बात कर लेती है, क्योंकि वो उसको अपनी हर बात बताती है, मैंने आज ये बनाया, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। शाम को भी फ़ोन आ गया, पता ही नहीं चला आधा घंटा और बातें हो गई। तो घर वाले पूछते, तुम्हारे पास इतनी कितनी बातें हैं करने के लिए आपस में, तुम रोज़ बात करते हो और इतना बात करते हो, क्यों जिनसे हम रोज़ बात करते हैं उनसे हम ज़्यादा बात करते हैं? क्योंकि हम उनसे अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं। ये रिश्ता उसके साथ बन जाएगा कि हम उससे हर चीज़ शेयर करेंगे, तो वो पॉइंट ही नहीं आएगा कि हमें उसको प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी और वो हमारे साथ है, हमारे साथ साथ उसको हमारी प्रॉब्लम पता होगी और वो राइट हमें टच करेगा कि दिस इज़ दी आंसर। तो आज से हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे इस 2 दिन के अंदर। छोटी छोटी बातें, भोजन पर, सुबह उठते, रात को सोने से पहले, अपने माइंड में जो चल रहा है उसके साथ, तो एक रिश्ता बनना शुरू होगा एंड वी विल एक्सपीरियंस दैट वी हैव द पावर टू स्टार्ट कैचिंग हिज थॉट। आज तक हमने तो कह दी थी अपनी बात, लेकिन उसकी बात हमने कैच की, ये हमने एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो बाबा से हमें ज्ञान मिलता है, अपनी हर बात का आंसर मिलता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें उससे पावर मिलती है, जिस पावर से हमारे पुराने संस्कार क्या होंगे, मिटते जाएंगे। अभी करके देखें कैसे करना है मेडिटेशन, अभी करें। चलो, सिट बैक कंफर्टेबल, एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे पहले, जस्ट टू सी कि हमें मेडिटेशन कैसे करना है। मेडिटेशन में 3 फैकल्टीज इन्वॉल्व्ड है, आत्मा की 3 फैकल्टी हमने सुबह देखी, मन, बुद्धि, संस्कार। मन क्या करती है, थॉट क्रिएट करती है। बुद्धि क्या करती है, इंटेलेक्ट क्या करती है, उसको विजुअलाइज करती है। सपोज वी क्रिएट अ थॉट राइट नाउ, आपने अपने बच्चे को याद किया, तो बच्चे को थॉट क्रिएट करते ही बुद्धि के सामने उसका फोटो आ जाएगा, यू विल बी एबल टू सी योर चाइल्ड। तो बुद्धि उसका चित्र बनाती है और फिर हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको हम कहेंगे संस्कार। तो आत्मा की 3 फैकल्टीज साथ साथ काम करनी है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो अभी हम छोटी सी एक एक्सरसाइज करेंगे, आई गिव यू अ फ्यू थॉट्स, आप उस थॉट्स को साथ साथ विजुअलाइज करिएगा और विजुअलाइज के साथ साथ उसको फील करने की कोशिश कीजिएगा। तो आत्मा की 3 फैकल्टीज को साथ साथ लेकर चलते हैं, ठीक है, रेडी, सिट बैक कंफर्टेबल। अगर हो सके तो आँखों को बंद नहीं करना, आधा खुला रख सकते हैं, क्योंकि आँखें बंद करते ही क्या हो जाता है, नींद आ जाती है, तो फिर हमारा मेडिटेशन इनकम्प्लीट हो जाता है, हम स्लीप में चले जाते हैं। तो भले ये नई चीज़ है हमारे लिए, लेकिन धीरे धीरे हो जाती है प्रैक्टिस, थोड़ा सा कम, ताकि वी डोंट गो ऑफ इनटू द स्लीप मोड। ओके, वी जस्ट डूइंग अ लिटिल एक्सरसाइज, वील डू मेडिटेशन आफ्टर दैट। सिट बैक कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, देखें अपने आप को,
हम यहाँ से उठकर अपने घर चलते हैं, जिस घर से हम आए थे, अपने शहर, अपने घर, जिस जिस तरह से आए थे, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, वैसे ही अपने आप को जाते हुए देखें किस रास्ते आए थे, कैसे आए थे, देखें अपने आप को वापस घर जाते हुए, अपने शहर पहुंचकर, अपने घर के मेन दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं, दरवाजे को धीरे धीरे खोलते हुए अंदर चले, लेट्स एंटर आवर होम। घर में सारी चीज़ों को देखें, क्या कुछ कहाँ कहाँ पड़ा है, सोफ़ा कहाँ है, टीवी कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, घर में लोग कौन हैं जिनको पीछे छोड़ कर आए हैं, उनके पास जाकर बैठे, उनको यहाँ के बारे में बताएं कि कल से यहाँ पर क्या क्या एक्सपीरियंस किया हमने, धीरे धीरे फ्रिज की तरफ चलते हैं, फ्रिज को खोले, बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हैं अंदर, एक ऑरेंज निकालते हैं, छिलते हुए धीरे धीरे खाना शुरू करें, अब वापस उसी रास्ते, वही साधन यूज करते हुए हमें वापस आबू पहुंचना है। और इस रूम में आकर अपनी चेयर पर बैठ जाना है। ओके, थैंक यू। कौन कौन घर होकर आया, अपनी चेकिंग करते हैं। दिस वॉज एग्जैक्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में माइंड कहीं और गया, कहीं और गया माइंड। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, ये मेडिटेशन था। हम क्या कर रहे थे, माइंड जो सोच रहा था, बुद्धि उसको विजुअलाइज कर रही थी और साथ साथ हम उसको फील कर रहे थे, तो बीच में माइंड कहीं और नहीं गया। घर के लोग मिले, बात कर सके उनसे, यस। संतरा किसने खाया, अच्छा किसी के मुंह में पानी आया, टेस्ट आया, किसी के मुंह में आया, अच्छा टेस्ट इज स्टिल देयर। हाँ, दिस इज मतलब हम कंप्लीटली उस चीज़ के साथ क्या थे, कनेक्टेड थे, कहीं और गए ही नहीं। तो आत्मा की तीनों फैकल्टीज क्या थी, कनेक्टेड, तो कुछ और आने के मार्जिन नहीं है। नाउ दिस इज मेडिटेशन। अब ये मेडिटेशन इस घर के साथ था, अब हम फिर मेडिटेशन करेंगे, लेकिन अब कौन से घर जाना है, अब उस घर जाना है। अब इस फैमिली के पास गए थे, अब किसके पास जाना है, अब शिव बाबा के पास जाना है। यहाँ फ्लाइट और ट्रेन से गए थे, वहाँ किसने जाना है, वहाँ अब आत्मा उड़कर जाएगी, ठीक है। लेकिन तरीका सेम कि माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, तीनों साथ साथ करेंगे। चलो करें फिर से एक बार, सिट बैक कंफर्टेबल। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, आई द बीइंग, पॉइंट ऑफ लाइट, अ टाइनी स्टार,
द एनर्जी। धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें, जैसे एक बिंदी होती है इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। आई प्योर डिवाइन सोल इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, एक चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा, अब मैं आत्मा धीरे धीरे इस शरीर, इस शहर से ऊपर उड़ती हूँ। देखे अपने आप को ऊपर जाते हुए इस कैंपस के ऊपर, ऊपर और ऊपर, ग्लोब के ऊपर। मैं आत्मा अपने घर जा रही हूँ। चांद सितारों को क्रॉस करते हुए ऊपर उड़ती जा रही हूँ। मैं ऐसी जगह आकर पहुंची हूँ जहाँ चारों तरफ गोल्डन लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। मेरा घर जहाँ कंप्लीट साइलेंस है, शांति की दुनिया है ये। यहाँ मेरे जैसी और आत्माएं हैं, मेरे सामने एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा है। उसकी प्रकाश चारों तरफ फैल रही है। परमात्मा, जिसको मैंने आज तक कहाँ कहाँ ढूंढा, मैं आत्मा उसके सामने आकर बैठे हूँ। शिव बाबा का कितना शुक्रिया, उसने मुझे चुना, अपने पास बुलाया, उसके पास जाकर बैठ जाए। मन में कोई बात, कोई भी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई पास्ट की बात, कुछ भी है, हम उससे कर सकते हैं। बता दें उसको हर चीज। वो पवित्रता का सागर, शांति का सागर है। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, शिव बाबा की शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं और मुझ आत्मा में भरते जा रहे हैं। एक लेजर बीम की तरह वो शक्ति मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मैं आत्मा दिव्य शांत स्वरूप हूँ। शिव बाबा की शक्तियां हर क्षण मेरे साथ है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे उसी रास्ते जहां
चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस करते हुए वापस इस कर्म क्षेत्र पर, इस हॉल में, इस शरीर में, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, प्रकृति के बीच अपने स्थान पर आ गई। I'm charged with God's energy, with His divinity. अब मेरा हर thought, हर बोल, हर कर्म दिव्य, pure और divine होगा। मेरी purity मेरे शरीर के अंग अंग तक पहुंच रही है और ये प्योरिटी चारों तरफ सारी आत्माओं को फैल रही है।